हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकिक टैरो 3। आ गया हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है ये जानेंगे, एंड वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं वो भी देखेंगे, अपने डिफरेंट डेक्स से कुछ गॉड गाइडेंस लेंगे आपके लिए। सो डेफिनेटली मैं आपको पहले बता दूँ, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है एंड सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, और डेफिनेटली ये सभी पर्सन्स के लिए भी है, जिस भी सिचुएशन में आप हो आप सभी के लिए ये रीडिंग है, सेम जेंडर के लिए भी है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कोई ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, बिल्कुल नहीं है। ओके, सो टैरोट से हम देखेंगे कि क्या निकल के आती है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और कैसा वो फील कर रहे हैं आपके लिए, और क्या है उनके दिल की बात जो हम जानेंगे अपने दूसरे डेक से, एंड डेफिनेटली गॉड गाइडेंस तो लेंगे ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, कार्ड शफल करना शुरू करते हैं। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाने के बाद आपके पास रीडिंग की नोटिफिकेशन आती रहेंगी, तो डेफिनेटली ये काम आप कर दीजिएगा। एंड वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी है वीडियो, और क्या आपसे रेजोनेट हुई है नहीं हुई, और लाइक ज़रूर करना। जजमेंट, ओके, द हाई प्रेस्ट्रेस, द किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द एम्प्रेस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज मैं पहले आपको साइन बताता हूँ, देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मेजर खाना से हमारे पास है कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ओके, एंड मैं आपको साइंस बताता हूँ, हमारे पास है एयर साइन है, फायर साइन है एंड अर्थ साइन है, बाकी आपको साइन पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग जनरल रीडिंग है सभी साइंस के लिए, तो आपसे भी रेजोनेट करेगी ही करेगी, अगर आपसे करती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ओके, टॉरस में आपके कौन, जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सो गाइज डेफिनेटली मुझे यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग जो चल रही है इस टाइम, वो काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, और काफ़ी सीक्रेट नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके पास इतनी नॉलेज हो, हर तरह की नॉलेज ले रहे हैं वो। बट येस, आप दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ तो अभी थोड़े से इश्यूज़ हैं, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट मैं देख सकता हूँ, यहाँ से मुझे डिफरेंस दिख रहा है। बट येस, आप बहुत पेशेंस रख के बैठी हुई हो, एंड जो आपके पर्सन है, आपके जो पार्टनर है या फिर जो आपकी पार्टनर है, वो बहुत ही इंट्यूटिवली वर्क करने की कोशिश कर रही हैं अब, बिकॉज उनको वो समझ चुके हैं कि उनको अब एक अथॉरिटी पोजीशन चाहिए, एक एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, और इस टाइम उनकी करंट फीलिंग यही चल रही है, वो फील कर रहे हैं एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए, और उनकी जो थ्रस्ट ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो अब एक वो नई नई चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और नई नई चीज़ों को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक नॉलेज, और करियर में काफ़ी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं नई, और काफ़ी सारे कोर्सेज में मुझे लग रहा है कि वो एडमिशन काफ़ी कोर्सेज करने वाले हैं वो, अब आगे मुझे यहाँ से ये यह दिख रहा है कि वो पढ़ाई दोबारा से अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज बीच में वो जॉब वॉब के चक्कर में लग गए थे, पैसा कमाने लग गए थे, यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स से उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है या मिल जाएगी, और डेफिनेटली जब वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल जाएगी और जब वो एक अथॉरिटी पोजिशन में होंगे तो वो बहुत पैसा कमाएंगे, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे दिखा रहा है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि उन्हें मेंटल क्लैरिटी मिलेगी एंड डेफिनेटली यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब उनको ये पोजीशन मिल जाएगी और जब उनको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, देन उसके बाद जब उनको ये लगेगा कि हाँ अब मैं इस पोजीशन पे हूँ और ये मेरे लिए बहुत इनफ है, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में वो आ जाएंगे, यानी कि वो बहुत पैसा कमाएंगे आपके लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। डेफिनेटली उनकी करंट फीलिंग अभी यही चल रही है कि वो कैसे भी करके एक अथॉरिटी पोजिशन में आए और इतना पैसा कमाएं कि वो आपकी हर विश को फुलफिल कर पाएं, बिकॉज वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। द एम्प्रेस, एम्प्रेस को अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, आपकी इनर ब्यूटी को भी और आपकी आउटर ब्यूटी को भी, और डेफिनेटली वो आपके थॉट्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका एक जो नर्चर और केयरिंग
पर्सनालिटी है आपकी, वो उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं डेफिनेटली। तो मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि यस ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो होता है, बट यस अभी ये एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू है कि यस कोई ना कोई एक्शन लिया जाए आपके लिए, बिकॉज और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और इनकी काफ़ी ये काफ़ी सेक्सुअल डिजायर्स भी रखते हैं आपके साथ। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से ये भी दिख रहा है राइट ऑफ एंड, और ये काफ़ी खूब आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी हैंडसम भी हैं और टॉल है, काफ़ी बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी शौक है इन्हें, मैं यहाँ से ये भी देख पा रहा हूँ। बट यस अभी ये थोड़े से मतलब नई बिगिनिंग तो चाहते हैं करना, पर ये कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस को सुनने की वजह से इन्हें थोड़ा अभी ये बैलेंसिंग नहीं ला पा रहे हैं अपने अंदर, मुझे यहाँ से ये दिख रहा है। इंट्यूशंस को तो काफ़ी अच्छे से सुन रहे हैं और अब काफ़ी ज़्यादा आप ग्रोथ कर रहे हैं अपनी, क्योंकि गॉड में सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जजमेंट कार्ड आया है, जजमेंट कार्ड तभी आता है जब आप कंप्लीटली गॉड में सरेंडर कर देते हो। डेफिनेटली इस पर्सन ने गॉड में सरेंडर तो कर दिया है, हाइपर स्ट्रेस ने मुझे दिखा दिया कि अपने इंट्यूशंस को सुनने लगा है, पर बैलेंसिंग नहीं है बिकॉज ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्लैरिटी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब वो क्लैरिटी मिल जाएगी देन उसके बाद पर्सन की लाइफ में चेंजेस आएंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आ जाएंगे पर्सन, लाइक बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, नायर ऑफ वैंड्स जब इनके पास बहुत पैसा आ जाएगा और ये काफ़ी कुछ कमा लेंगे देन ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बिकॉज मे मुझे यहाँ से ऐसा फील हो रहा है कि ये सोचते हैं कि ये आपकी वो हर विश पूरी करे जो आप इनसे चाहो। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे अपनी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि जिससे कि ये एक तरफ से सिक्योर हो जाए, और डेफिनेटली ये नई शुरुआत करेंगे। मे बी अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं तो यहाँ से मुझे थर्ड पार्टी फील हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये उसको अब ख़त्म कर देंगे बहुत जल्द। एंड नंबर 0 फूल, द फूल कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये नई शुरुआत करेंगे एक फ्री स्पिरिट के साथ और अपनी एम्प्रेस के पास वापस आ जाएंगे, लाइक आपके पास। तो डेफिनेटली करंट फीलिंग्स तो अभी बहुत ही खूबसूरत चल रही है। एंड अगर मैं वाटर के कार्ड को देखूँ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो, और डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए भी हो सकता है बिकॉज आप भी इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हो। और अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो आपने अभी अपने आप को काफ़ी अकेला कर लिया है, बट यस आप अपने सेल्फ लव को बहुत अच्छे से समझती हो, अपनी वर्थ को समझती हो, समझते हो, आप दोनों ही अपने लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो। बट यस जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा सेल्फ वर्क में लगे हैं इस टाइम एंड सेल्फ लव में। एंड डेफिनेटली देखिए अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखो तो ये सोच रहे हैं एक्शन लेने के लिए, बट ये ऐसी एक्शन लेंगे एंड स्ट्रेंथ, इन्हें अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखनी है और मेहनती तो ये हैं ही बहुत ज़्यादा, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। ओके सो हम देखते हैं अब आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं और जो उनके थाट्स हैं वो क्या हैं आपके लिए। चलिए हम अपने कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए इस डेक से। ओके कुछ मैसेजेस आए हैं, पहले इन्हें पढ़ते हैं फिर और निकालेंगे। आई सी योर फेस एवरी टाइम वेन आई क्लोज माई आईज, वाओ देखा, डेफिनेटली अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं इसीलिए ये कार्ड आया है। इनके इंट्यूशंस इनको बता रहे हैं कि यस डेफिनेटली आपके साथ ही इनका फ्यूचर है। तो देख लीजिए ये कार्ड आया है हमारा जजमेंट के ऊपर, तो डेफिनेटली गॉड भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपको गॉड भी चाहते हैं कि यस आप दोनों का ये बॉन्ड बने डेफिनेटली। तो आपको बस सबसे ज़्यादा ज़रूरत करनी है कि क्या है, सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन पर सरेंडर कर दो बस। ओके योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, वाओ आपकी जो नाक है ना वो इन्हें बहुत ही क्यूट लगती है पूरी दुनिया में। हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी, आप कैसे उनसे हर एक चीज़ शेयर करते हो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, या करते थे बिकॉज अभी तो सेपरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ से। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, जो स्पार्कल आपकी आंखों में ना वो उनका दिन बना देता है। मे बी आपको शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर स्टॉक करते हो, वहाँ से आपकी फोटोज़ देख के अपना दिन बना लेते हैं। ओके यू होल्ड द की टू माई हार्ट, वाओ आप इनके दिल की चाबी रख के बैठे हुए हो पता है, और ये वो ताला आप ही के थ्रू खुलवाना चाहता है। ओके दो मैसेजेस आए हैं, इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, वाओ कह रहे हैं कि अगर मैं कल मर जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं अपना सोलमेट ढूंढ ढूंढ चुका हूँ इस जिंदगी में।
काफी डीप, काफी डीप है ये मैसेज, देख रहे हैं आप? ओके एंड आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हो तो वो काफी घंटों तक आपको घूर सकते हैं, आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा फील करते हैं वो आपके लिए, इनकी फीलिंग्स देख रहे हो आप? ओके गाइस ये थ्री मैसेजेस आए हैं, इन तीनों को ही पिक कर लेते हैं, कोई नहीं, बाकी हमें ज़रूरत एक ही थी, बट कोई बात नहीं, हम तीनों को पिक करेंगे आपके लिए। यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल, ओके यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल मतलब कि आपको बिल्कुल भी नहीं नहीं रह सकते हैं आपसे ये दूर, यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल, जिनसे कि कभी भी ये दूर नहीं रह सकते। तो देख रहे हैं आप इनकी करंट फीलिंग्स को, क्या आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, आपको बहुत घंटों तक घूर सकते हैं, इवन इन्हें पता चल गया है कि ये अपना सोलमेट ढूंढ चुके हैं, आपने उनके दिल की चाबी रख रखी है, और वो हर टाइम आपका चेहरा देखते हैं, जब वो अपनी आंखों को क्लोज करते हैं आपकी नोज उन्हें बहुत क्यूट लगती है, यू आप उनसे हर एक चीज़ शेयर करते थे या करते हो, एंड सिंपली यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो आंखों की चमक है वो उनका दिन बना देती है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा हंसाते हैं, वाह। यू लव मी लाइक नो अदर, डेफिनेटली यार आप उन्हें इस तरीके से प्यार करते हो जैसे उन्हें कोई और कर ही नहीं सकता। ओके तो चलिए अब हम गॉड गाइडेंस देख लेते हैं अपने डेक से, मोनोलॉजी डेक से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस तो बहुत ही प्यारे आए हैं आपके लिए, ओके एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ कार्ड्स चलिए। कम्युनिकेशन इज अ की, डेफिनेटली पेज ऑफ सोर्ड्स भी हमें ये बता रहा था, एंड न्यू मून इन जेमिनाई भी हमें ये बता रहे हैं कम्युनिकेशन इज अ की, कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक कर लीजिए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आप दोनों की लाइफ से। ये क्योंकि गाइडेंस करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की थी, अब आपका पर्सन मेल है या फीमेल है वो आपके हिसाब से आप रीडिंग को अपने लिए रख कर सकते हो मोड, एंड बट जो गाइडेंस है वो दोनों की है। ओके सो कम्युनिकेशन इज अ की, नथिंग इज सेट, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ भी वो हो सकता है, चेंजेस भी आ सकते हैं लाइफ में, ये रीडिंग चेंज भी हो सकती है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से मैनिफेस्ट करना है गॉड में। ओके चलिए दो आ गया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को दूर भगा दो, ओके एंड ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन, हर सिचुएशन में प्यार लाओ। ओके न्यू मून इन एक्वेरियस, हर सिचुएशन में प्यार लाने की कोशिश करो, हर सिचुएशन में प्यार देखो, नेगेटिविटी को रिलीज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, आई नो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ को, हमें भी, मुझे भी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बट मैं मेडिटेशन के थ्रू नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखता हूँ, अपने थॉट्स को हमेशा चेक करता रहता हूँ, चेक में रखता हूँ अपनी पूरी बॉडी को कि मेरे मेरे एक्शंस क्या कर रहे हैं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरी मेरे मैं इवन अपने हर एक जेस्चर को भी चेक में रखता हूँ कि किस तरीके से मुझे काम करना है, तो तभी मैं इन सब नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रख पाता हूँ। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, ये समय है देने का ना कि लेने का, तो डेफिनेटली आपको अपने ड्रीम में, अपने लव में मैनिफेस्ट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा अभी। इमोशंस आर रनिंग हाई, इन इमोशंस को डाउन करो, देन विन विन आउटकम आपको मिल जाएगा, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अगर आप से ये, अगर आपको इंट्यूटिवली ये कार्ड कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो मेक द फर्स्ट मूव। ओके सो गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग, अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, एंड वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि कैसी लगी ये वीडियो और क्या आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई, तो और होपफुली कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो, और मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो में, तो अभी के लिए बाय, आप सब अपना ध्यान रखो, और मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव थॉट से कैसे दूर रहा जा सकता है, किस तरीके से अपने थॉट्स को चेक में रखना है, आपको जब भी आपके आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आए तो आप उसको चुप करने के लिए बोले, बिकॉज हमारे अंदर एक ना एक आवाज़ ऐसी होती है जिसको मैंने तो एक बहुत ही खतरनाक सा नाम दे रखा है, मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो थोड़ा खतरनाक नाम है बहुत, तो जब भी वो मेरे अंदर से बोलता है ना, कुछ नेगेटिव थॉट्स लाता है, तो मैं उसको बोलता हूँ चुप, आई एम गुड इनफ। सो आपको भी यही करना है, और इन थॉट्स को दूर करना है अपनी लाइफ से यार, ये थॉट्स बहुत ही खतरनाक हैं, और इन थॉट्स को जब तक आप नेगेटिव थॉट्स से दूर रहोगे, सुबह उठ के अगर किसी ने आपको लास्ट नाइट हर्ट किया है, तो
तो सुबह उठ के उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो, देखो आपका दिन कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो चेंज लाना आपके हाथ में, अब आप इस चेंज को कैसे लाते हो ये आप पर डिपेंड करता है, बिकॉज़ मैं राह दिखा रहा हूँ, चलना आपको खुद है, और अगर चलते चलते इस राह पे गिर जाओ तो उठने की हिम्मत ज़रूर रखना। ओके सो बाय, टेक केयर।